तो गिग क्रिएट करने में सबसे पहले आपने गिग का टाइटल टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर गिग का टाइटल यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप लोगों ने एक अच्छा सा टाइटल इसके लिए चूज़ कर लेना है, और उसके बाद इसकी कैटेगरी आती है, जैसे कि मैंने ग्राफिक एंड डिज़ाइन कर लिया, आपकी जो कैटेगरी होगी वो आप सेलेक्ट कर लेना। लोगो डिज़ाइन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद गिग मेटा डेटा आता है, तो उसमें सबसे पहले हम 3D सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वर्ड मार्क हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम JPG, PNG और PDF को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे आपने करना है। और अगर इसमें से आप कोई और ऑप्शन भी उसको देना चाह रहे हैं क्लाइंट को, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो है सर्च टैग्स, मतलब कीवर्ड आपने यहाँ पे देने हैं। ग्राफिक डिज़ाइन मैंने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लोगो मार्कर, ठीक है, लोगो मार्कर हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर मॉडर्न मैंने डाल दिया, ठीक है। और 3D डिज़ाइन आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे कीवर्ड उठा के डाल देने जो आपको सबसे बेस्ट लगे। तो बैनर डिज़ाइन भी हो गया, तो आपने नीचे इस पे मार्क कर देना है, डिक्लेयर दैट दिस मटेरियल वेयर जो भी है इसको टिक कर देना है, और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो उसके बाद प्राइसिंग की बात आती है, तो मैं यहाँ पे सब कुछ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपने नेम योर पैकेज, अच्छा सा नेम अपने पैकेज को देना है, ठीक है। डिस्क्राइब करना है उसको, उसके बाद डिलीवरी टाइम भी डालना है कि कितने दिन में या कितने। तो हम सबसे पहले प्राइस डाल देते हैं 5, 10 और 15। तो आपने भी इस तरह अपनी मर्ज़ी की जो भी अपनी मर्ज़ी की प्राइसिंग यहाँ पे कर देनी है, और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी इसको भी कर देना है, अगर नहीं करना चाहते तो छोड़ दें। तो इसके बाद आपने नीचे आना है, नीचे आके आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो उसके बाद आती है बारी डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन पे आप एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन सोच के यहाँ पे लिख ले, या कहीं ChatGPT से या और कहीं से आपको कॉपी पेस्ट कर ले। तो उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिए। तो उसके बाद आती है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो मतलब क्या, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ऐड करना होगा। आप जितने भी ऐड करें आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन डाल दिया, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद बारी आती है हाउ टू गेट द मोस्ट फ्रॉम योर गिग। तो शोकेस योर सर्विस इन अ गिग, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छी सी जो भी सर्विस को लोगों को दिखाने के लिए आपने यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड कर देनी है, जितनी आप चाहे आप कर सकते हो 10 तक, ठीक है। पिक्चर्स अपलोड कर देनी है, अगर वीडियो आप अपलोड करते हो सबसे बेस्ट है, तो एक वीडियो अपलोड कर देनी है। यहाँ पे मैंने सब कुछ ही अपलोड कर दिया, आप कैनवा से जाके भी बना सकते हैं या वहाँ से उठा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है, और अगर वीडियो है तो फिर तो सबसे बेस्ट है। और नीचे एक PDF फाइल आपने अपलोड करनी है ज़रूरी, फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यू आर ऑलमोस्ट डेयर। हमने ज़्यादा सब कुछ कर लिया। पब्लिश करने के बारे में अभी हमसे पूछ रहे हैं कि टैक्सेस के बारे में, कि आप US को टैक्स पे करोगे या नहीं पे करोगे। तो आपने यहाँ पे नो पे टिक कर देना है और आगे सेव कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, तो नीचे पब्लिश गिग लिखा होगा, पब्लिश गिग पे क्लिक करेंगे तो ठीक है। एक फाइवर लर्न फाइवर का कोर्स है, अगर आप ये भी कर ले तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, तो नीचे आके आपने डन कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे डन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कोने में गिग के नीचे आपको दिख रहा है कि आपका गिग एक्टिव है, ठीक है। तो हमारा गिग एक्टिव हो गया है, और यहाँ पे हमारा गिग भी शो रहा है। आपको यहाँ पे काउंटिंग भी साथ में दिखाएंगे, कितने इंप्रेशन है, कितने क्लिक्स किए लोगों ने, ऑर्डर किसने है, वो सब कुछ यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और उसके बाद साथ में आप मैसेजेस भी देख सकते हैं कि किसी का मैसेजेस आया तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपने ऊपर कोने में अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने अकाउंट को स्विच टू बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी फाइवर का कोर्स कंप्लीट हो जाता है।